नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल तैयार करने में लगे थे, तब बनारस के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी करपात्री महाराज उर्फ हरिनारायण ओझा उर्फ हरिहरानंद सरस्वती, जिन्होंने अखिल भारतीय रामराज परिषद नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी, जिसने 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 3 सीटें जीती थी, ने बाबा साहब को बहस करने की चुनौती दे डाली। करपात्री ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर एक अछूत है, वे क्या जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों के बारे में, उन्हें कहां संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान है। यदि उन्होंने हमारी संस्कृत से खिलवाड़ किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। करपात्री महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को इस पर बहस करने हेतु पत्र लिखा और निमंत्रण भी भेज दिया। उस समय करपात्री महाराज दिल्ली में यमुना के किनारे निगम बोध घाट पर एक आश्रम में रहते थे। बाबा साहब बहुत शांत और शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने आदर सहित करपात्री महाराज को पत्र लिखकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी या अन्य किसी भी भाषा में मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने समय अनुसार आकर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। यह पढ़ते ही करपात्री महाराज आग बबूला हो गए और वापस बाबा साहब को पत्र लिखा। डॉक्टर अंबेडकर, आप शायद भूल रहे हैं कि आप एक साधु सन्यासी को अपने स्थान पर बुला रहे हैं। आपको यहाँ आकर बात करनी चाहिए, न कि एक साधु आपके पास आकर बात करे। बाबा साहब ने उसी रूप में जवाब देते हुए कहा, मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, उनके तप और त्याग का आदर करता हूँ, लेकिन फिलहाल जिनसे मैं पत्राचार कर रहा हूँ वे साधु कहाँ रहे? वे राजनेता हो गए हैं, वरना हिंदू कोड बिल से किसी साधु को क्या लेना देना हो सकता है? एक ऐसा बिल जिसमें महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, तलाक और विधवा विवाह का अधिकार मिले, इसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। इसलिए मेरी नजर में आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से आप शायद भूल रहे हैं कि मैं वर्तमान समय में भारत का कानून मंत्री हूं और एक मंत्री के रूप में मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा सकता हूं जहां जनता का हित ना हो या लोकतंत्र का अपमान हो। यह पढ़कर करपात्री महाराज अचंभित होकर बौखला गए। उसने बाबा साहब को पुनः पत्र लिखकर मिलकर बहस करने की इच्छा जताई, लेकिन उनमें बहस करने की हिम्मत नहीं हुई। फलस्वरूप वे कभी मिलने नहीं आए। ऐसे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक आज के राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें हम अपना नेता कहते हैं। जब तक धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग ना किया जाए, तब तक हमारे देश का कुछ भी भला नहीं हो सकता। यह एक अटल सत्य।